नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट लाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मेरा प्रश्न है वह कह सकते हैं नदी परियोजना और उससे संबंधित जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्नों का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी झारखंड सीजीएल में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है या जो भी आने की संभावना है हम लोग सारे उसके बारे में एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीका से। आइए, पहला प्रश्न कहता है भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का नाम क्या था। ठीक, पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वह क्या है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना। तो आपका जो आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो पहला प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा विस्तारित रूप से देखते हैं। ठीक है, क्या दामोदर घाटी परियोजना है इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दामोदर घाटी परियोजना, सबसे पहले देखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना का गठन कब होता है। तो इसका जो गठन किया जाता है वह 1948 में दामोदर घाटी परियोजना का गठन किया जाता है। और यह पता होना चाहिए कि कहा जाता है कि प्रथम सबसे पहला बहुउद्देश्य परियोजना अगर है तो वह दामोदर घाटी परियोजना है। पहला बहुउद्देश्य, पहला बहुउद्देश्य परियोजना कौन सा है तो यह हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। और देखते हैं अगर इनका हेडक्वार्टर बात करते हैं तो वह कहां पे है, कोलकाता में। कोलकाता इनका हेडक्वार्टर हो गया। फिर अगर बात करते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वह किन दो राज्यों का कह सकते हैं सहायक है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल और झारखंड ये दो राज्यों का प्रयोग संयुक्त परियोजना है, गठन 1948 में। एक बार वो देख लेते हैं और पहला बहुउद्देश्यीय परियोजना है, हेडक्वार्टर कहां पे है, कोलकाता। इतना सारा हम लोगों का क्लियर हो गया। चलिए अब अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना, अगर दामोदर नदी ये तो घाटी परियोजना से संबंधित जो फैक्ट था वो दे दिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि दामोदर नदी अगर आपसे पूछा जाए, झारखंड में ये बहुत बार प्रश्न आता है कि दामोदर नदी से संबंधित, ठीक है ना, यहां पे प्रश्न क्या आता है कि जो दामोदर नदी है वह झारखंड की सबसे लंबी कह सकते नदी है, झारखंड की, ठीक है, सबसे लंबी और बड़ी, ये क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं कि जो दामोदर नदी है यह झारखंड का और वेस्ट बंगाल दोनों का कहा जाता है कि प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है। ठीक, अगर बात करते हैं कि दामोदर नदी का उद्गम अगर बात करते हैं तो वह छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर है। तो अब एक बार क्या करेंगे, सभी लोग जितने लोग भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो को वो क्या करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे जोरदार तरीका से। और जो नए चैनल में जुड़े हैं वह उनका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है और लाइक जरूर करना है, कमेंट भी करना है, कमेंट बताना है कैसा मेरा सेशन जबरदस्त रह रहा है या नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न का पूरा फैक्ट आपको दे दिए। आते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना के बारे में सारा विस्तार आपको यहां बता दिए हैं, आप देख लेंगे। अगले प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से कितनी क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जाता है, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 500 मेगावाट या 300 मेगावाट, कौन सा आंसर होगा,
जल्दी से बताएंगे। ओके आंसर क्या हो जाएगा, तो 200 मेगावाट, 200 मेगावाट आंसर हो गया। अब आगे आते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी के बारे में आपको हम बताते हैं सारे फैक्ट क्या है इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, अब इससे संबंधित देखते हैं कि सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी घाटी जो परियोजना है इसका कब गठन किया गया, तो 1982-83 में, ये क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि स्वर्णरेखा जो नदी परियोजना है गठन तो समझ में आ गया, कौन सी देश की संयुक्त परियोजना है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल WB और उड़ीसा, और क्या हो जाएगा उड़ीसा, ये तीन का संयुक्त परियोजना है, ये भी क्लियर हो गया मजे से, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं कि जो स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है ना, यह किनके सहयोग से, किनके सहयोग से बना है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। अब यहां से जो प्रश्न कई बार पूछता है एग्जाम में वर्ल्ड बैंक के संबंधित जब बात आया है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो गठन किया गया है वह कब किया गया, तो 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है ना, 1948 को। वर्ल्ड बैंक का अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ध्यान से रखेंगे जेनेवा, इनका अध्यक्ष अगर वर्तमान में बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास इनका अध्यक्ष हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का। अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का गठन तो समझ में आ गया, अब यहां से प्रश्न पूछता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, क्या पूछता है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे, और यह कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, तो याद रखेंगे 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल, ठीक है, क्लियर हो गया। इतने सारे वर्ल्ड बैंक से संबंधित फैक्ट आपको मिल गया, हेडक्वार्टर, गठन, कौन वर्तमान अध्यक्ष है, ये वर्तमान अध्यक्ष बताए हैं, और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के बारे में भी आप समझ में आ गया, ओके यस। अब अगर यहां पर देखते हैं, ठीक है ना, तो एक बांध भी इंपॉर्टेंट है, चांडिल बांध, कौन सा बांध, तो ध्यान देना है चांडिल बांध, चांडिल बांध, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट रहा, आपसे प्रश्न पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, तो देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से कितनी क्षमता का, 200 मेगावाट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस साल शुरुआत किया गया था, तो दामोदर घाटी परियोजना का शुरुआत पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे। हम आपको पहले प्रश्न में सारे बता दिए डिटेल, हम एक बार दिखाना चाहते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना का क्या हम गठन आपको बताए हैं, हम वैसे ही नहीं चिल्लाते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहां बता दिया गया है 1948 में, यहां पे देखिए आंख खोल के देखेंगे, ठीक है ना, 1948 में बता दिया गया, वही प्रश्न आया हुआ है। आगे देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना का किस साल शुरुआत किया गया, आंसर होगा 1948, प्रश्न ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किस वर्ष शुरुआत किया गया, फिर से प्रश्न वही आया है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जबरदस्त अंदाज में, और फिर आपको हम देखते हैं पूरा डिटेल बता दिए। तो पूछा गया है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किस वर्ष स्टार्ट किया गया, सर 1982-83 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। आज का हमारा जो स्पीड है जबरदस्त अंदाज में स्पीड, और पूरा एक ही वीडियो में नदी घाटी परियोजना आपका समाप्त हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए कल फिर दूसरे टॉपिक पे मजेदार तरह से हम ला रहे हैं जबरदस्त अंदाज में, दामोदर नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों, देखेंगे पूछा गया किन दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है, झारखंड और उड़ीसा,
झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड और बिहार, कौन सा प्रश्न होगा जल्दी से आपको बताना है, दो से तीन सेकंड के अंदर में क्या आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा अभी हम बताएं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ध्यान देना है नदी घाटी परियोजना का दामोदर है, यहां पे कई सारे बांध भी बनाया गया है, ठीक है ना। जैसे अगर बांध का बात करते हैं, गठन तो पता ही 1948 में इसका गठन किया गया है, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर कहां पे है, कोलकाता में, ये भी हम बता दिए हैं, क्लियर कट कर दिए हैं। अगर बात करते हैं इसमें कौन कौन सा बांध बना हुआ है, तो ध्यान देना तिलैया बांध, ठीक है ना, इसमें जो बांध बना हुआ है वह तिलैया बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या है मैथन, मैथन बांध, ठीक है ना, बोकारो, ये सब सारे क्या है, ये सब बांध बना हुआ है, ये सब सारा बांध बना हुआ है, गठन 1948, हेडक्वार्टर कोलकाता, ध्यान रखना है, और किन दो राज्यों का संयुक्त योजना है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। अच्छा, इन्हीं के तर्ज पर, इन्हीं के तर्ज में ध्यान देना है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि अमेरिका में, यूएसए में क्या किया गया है, टेनेंसी एक्ट जो है वहां पे एक संयुक्त परियोजना वहां भी बनाया गया, ठीक है ना, टेनेंसी घाटी परियोजना, कौन सा, तो टेनेंसी घाटी परियोजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आ चुका है ये, यूएसए में जो टेनेंसी घाटी परियोजना है इन्हीं के तर्ज पर बनाया गया है बच्चों लोग, ठीक है ना। और ये सारा प्रश्न रहा, अब आपसे प्रश्न क्या पूछा, किन दो राज्यों की परियोजना है, आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल, इस बात को आपका ध्यान रखना है। आगे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में कितने क्षेत्र में दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा सिंचाई किया जाता है, ठीक है, क्या पूछा गया है कि कितने क्षेत्र में दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है उनका जो किया गया है वह 8 लाख हेक्टेयर, 6 लाख हेक्टेयर या 10 लाख या 15 लाख, जल्दी से बताएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न का आंसर 8 लाख हेक्टेयर, 8 लाख हेक्टेयर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देना है स्पीड आज का पहले के तुलना में कितना बेहतर है, ठीक है ना, आज स्पीड में बता रहे हैं। तो आगे अगले प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है, अभी जस्ट हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, और आपको इस बात को बोले थे जब बता रहे थे, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में हजारों बार पूछा हुआ है कि अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से किस जो नदी घाटी परियोजना है वह काफी ज्यादा प्रेरित है या उन्हीं के तर्ज पर बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर दामोदर नदी घाटी परियोजना। एक बार दिखाना चाहेंगे, आपको दिखा देते हैं हम, क्या हम बताएं या नहीं, देख लीजिए दामोदर घाटी परियोजना के बारे में इतना आपको बताए हैं और यहां पे बताए थे यूएसए, अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना इन्हीं के तर्ज पर बनाया गया है, आंसर आपको मिल गया होगा। आगे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा देखेंगे, यहां बात है अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, कुछ फैक्ट क्या जान लेते हैं। अगर बात करते हैं कि अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका कैपिटल कहां है, ठीक है, इनका राजधानी अगर बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अच्छा, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये डीसी का पूरा नाम हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि जो वाशिंगटन डीसी है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो वाशिंगटन डीसी है कभी पूछ देगा किस नदी के किनारे है, तो ध्यान देना दोस्तों कि पोटोमैक, ठीक है ना, जो पोटोमैक है, पोटोमैक नदी के किनारे यह बना बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का बात करते हैं, कैपिटल समझ गए, करेंसी क्या है, अमेरिका में चलता है डॉलर, क्या चलता है डॉलर, यह भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि अमेरिका का अपर हाउस और लोअर हाउस को क्या कहते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
तो अमेरिका के अपर हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीनेट। और अमेरिका के लोअर हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक बार सभी लोग से आग्रह क्या है कि वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर देंगे और फटाफट कमेंट करके बताएंगे आज का जो सेशन का जो स्पीड रखे हैं वह दुगुना कर दिए, फास्ट कर दिए आपके कहने पर। तो इतने सारे अमेरिका के बारे में आप समझ गए, कैपिटल, करेंसी, कौन से नदी किनारे बसा हुआ है, अपर हाउस को क्या कहते हैं, लोअर हाउस को क्या कहते हैं। और ये इस बात को ध्यान रखना कि अपर हाउस कहने का मतलब सर हमारे देशों में जैसे होता है राज्यसभा और लोकसभा, तो वहां का समझिए वो राज्यसभा है, और अपर हाउस में वहां वो जो सीटों की जो संख्या होता है वह कितना होता है, 100। तो 100 कैसे होता है सर, अमेरिका में अगर बात करते हैं राज्यों की संख्या कितना है तो 50, और 50 स्टेट में हर स्टेट से 2 सदस्य वहां पे क्या होता है, इलेक्टेड होता है। तो 50 × 2 कितना हो जाएगा, तो टोटल 100 सदस्य आएगा अमेरिका के। अपर हाउस कहने का मतलब हो जाएगा जो अभी वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं भारत का राज्यसभा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा जो सीनेट है, यहां पे टोटल मेंबर का जो होता है वह संख्या कितना, तो 100। ये रहा पूरा पूरा अमेरिका के बारे में, कैपिटल, करेंसी, ठीक है, आप सब समझ गए। आगे आइए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर, निम्नलिखित में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा किया जाता है, 1100, 1000, 1200 या 900 मेगावाट। अब तो बताएंगे, स्पीड काफी हम फुल कर दिए अपना, ठीक है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम कर दिए। क्या आंसर हो जाएगा आपका, जो प्रश्न हो जाएगा वो 1200 मेगावाट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 1200 मेगावाट। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में आप देख लेंगे प्रश्न नंबर 2 और 3 या पहला, सब में बता दिया फुल डिटेल। आगे प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वर्ष पूछा गया है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया गया, और फिर से वही प्रश्न, और आपसे उम्मीद है यह प्रश्न इस बार रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मजाक नहीं है, हर बार आपको बता चुके हैं, रट्टा मरवा दिए, चिल्ला चिल्ला के बताएं, सर 1948 में क्या किया गया था, दामोदर घाटी परियोजना का गठन किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सेशन मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस स्थान पर दामोदर घाटी निगम की निगम का मुख्यालय है, क्या हो जाएगा, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर, तो दामोदर नदी घाटी का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, इस बात को हम बता चुके हैं, आपका आंसर आ रहा होगा, यह हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर इसमें बात करते हैं जो पटना है वह क्या हो जाएगा, तो बिहार का कैपिटल। और पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा। अच्छा, जब बात है गंगा का तो यहां से प्रश्न क्या क्या बनेगा, गंगा नदी की कुल लंबाई तो 2525 किलोमीटर। फिर बात करते हैं कि गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहती है, सिर्फ बिहार में, तो ध्यान देना 445 किलोमीटर ओनली, यह बिहार में, ठीक है ना, ओनली सिर्फ बिहार में इतना बहती है, यह भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं पटना से बारे में, फैक्ट समझ में आ गया, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, राजधानी बिहार का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धनबाद को, धनबाद से क्या प्रश्न आ सकता है कि खनन, ठीक है, जो खनन मामले में जो जगह है उसको क्या कहते हैं, धनबाद। धनबाद झारखंड की सबसे घनत्व वाला जिला है, ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है, कहा जाता है 1316 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वहां पे रहता है, कौन, धनबाद में, यह भी प्रश्न क्लियर हो गया। और रांची आपको पता होगा जो झारखंड का क्या है, राजधानी, कैपिटल है। चलिए झारखंड का हाईकोर्ट कहां पे है, तो रांची में ही है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि रांची में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करता है झारखंड में, ठीक है ना, और ये जो करता है वह लिख लेंगे संथाल, कौन सा,
संथाल जनजाति सबसे ज्यादा रांची में निवास करता है। ये प्रश्न आपको सारे ऑप्शन में क्लियर कर दिए। आगे प्रश्न आते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ठीक है बनाए गए बड़े बांधों की कुल संख्या कितना था। बड़े बांध की कुल संख्या पूछा गया है 8, 5, 11, 9। फटाक से आंसर देंगे आप लोग सब। क्या होगा आंसर जल्दी से देंगे सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट आते हैं मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है पूछा गया है। मयूराक्षी परियोजना के बारे में बताएंगे झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड छत्तीसगढ़, कौन सा ऑप्शन होगा पढ़ेंगे और आंसर देंगे। फटाक से आंसर मत दीजिएगा कि देखिए आंसर दे दिए पहले अच्छा प्रश्न समझेंगे। यही गलती स्टूडेंट लोग एग्जाम में भी करता है, अरे ये तो आंसर ही होगा, करने से नहीं होगा ठीक है ना। कंपटीशन काफी लेवल हाई है आपका, झारखंड सीजीएल में कह सकते हैं काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर बैठेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रश्न जीएस में गलती नहीं होना चाहिए, अगर होता है आप समझिए यहां से बाहर हो जाएंगे आप एग्जाम से, आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से क्या हो जाएंगे आप बाहर। तो पहले प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद आंसर देंगे क्या प्रश्न कह रहा है। यस, आंसर क्या हो जाएगा झारखंड पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अब ध्यान देना है कि जो मयूराक्षी परियोजना है यहां पे एक बांध बनाया गया है और वह कौन सा बांध बनाया गया है, कनाडा बांध ठीक है ना। कनाडा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कनाडा बांध ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न आते हैं हम लोग। अगले प्रश्न कि मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त क्वेश्चन रिपीट आया है, आंसर क्या हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पूछा गया है अमानत। अमानत बराज परियोजना से संबंधित झारखंड राज्य का जिला कौन सा है, झारखंड राज्य का जिला पूछा गया है लातेहार, गढ़वा, पलामू या चतरा, कौन सा आंसर होगा। फटाक से आंसर देंगे पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आंसर दे दिए, जल्दी से आंसर देंगे। आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। जबरदस्त अंदाज में एक बार सभी लोग फिर से क्या करेंगे, लाइक बटन को प्रेस कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे आज का स्पीड सर कैसा रहा, जबरदस्त अंदाज में बता रहे हैं ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आइए, अच्छा लातेहार में हम कल एक प्रश्न आपको बताए, कल का टॉपिक था मेरा जलप्रपात, तो यहां से प्रश्न हम एक बताए थे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात जो झारखंड का है वह कौन सा है, बूढ़ा घाग। बूढ़ा घाग, अब देखिए जो बूढ़ा घाग जलप्रपात है वह किस जिला में पड़ता है, तो लातेहार में, इसलिए आपको यहां पे हम याद दिला दिए, आप भूल गए होंगे हम याद दिला दिए लातेहार में है। इनका अगर बात किया जाएगा हाइट कितना है मीटर है, तो 137 मीटर है जो बूढ़ा घाग का हाइट है। जिला कौन सा, लातेहार। और सेकंड जलप्रपात अगर पूछेगा तो वह कौन सा है, हुंडरू। कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है सेकंड झारखंड का सबसे ऊंचा, जो किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। और अगर बात करते हैं इनका मीटर कितना हाइट है, स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये कितना मीटर हाइट है, तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है 74 मीटर। क्या मजा आ रहा होगा सेशन ठीक है, इतना खतरनाक तरीका से फैक्ट दे रहे हैं आपको। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ के रहना है, आपका जीएस का तैयारी हम कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, सारा का सारा आपका हो गया। आगे आते हैं, देवघर जिले से संबंधित परियोजना का नाम बताना है। अमानत बराज, पुनासी, कुनार या गुमानी। अब देखिए जो देवघर जिले से है उनका तो फटाक से आंसर दे देंगे ठीक है ना, पता होना चाहिए और हम भी हैं, तो देवघर जिले से संबंधित परियोजना का नाम बताना है, क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपका, जो आंसर हो जाएगा पुनासी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। जी तो हम भी हैं देवघर से, आपको पता है कि आंसर क्या होगा, पुनासी। जो भी लोग देवघर के होंगे धरती से उनको पता होगा
पुनासी परियोजना देवघर जिले में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। गुमानी बराज, जो गुमानी बराज परियोजना है उससे संबंधित कौन से जिले हैं? तो देवघर पलामू, देवघर दुमका, हजारीबाग गिरिडीह और साहेबगंज और पाकुड़। जबरदस्त प्रश्न का कलेक्शन लाए आज, ठीक है ना। यहां से एक प्रश्न रहता ही रहता है, एक प्रश्न आपका रहता ही रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो गुमानी बराज परियोजना से संबंधित पूछा गया कौन सा जिला? तो साहबगंज और पाकुड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड तो जबरदस्त आज रखे हैं, आज का स्पीड आपके बारे में कमेंट करना होगा आपको। आज का हर दिन के मॉक टेस्ट की तुलना में आज का स्पीड कुछ ज्यादा है, और आपके कहने पर बता रहे हैं स्पीड के साथ साथ फैक्ट भी हम देते जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीड है और फैक्ट नहीं दिए, तो हर चीज में हर बता दिए। जितना इससे परियोजना से संबंधित फैक्ट था हम आपको पहला दो से तीन प्रश्न में हम दे देते हैं, ठीक है ना। ये मेरा रूल है, उससे क्या होगा सारे मॉक टेस्ट आपको मेरा फैक्ट से क्लियर होते जाएगा, मजा भी आएगा सेशन देने में टेस्ट, क्योंकि आपको सारा हम बता दिए, अब आपका रिविजन भी हो जाएगा साथ ही साथ, और आप जान भी जाएंगे, ये डबल बेनिफिट हो जाएगा आपका। चलिए, तो अजय बराज जो परियोजना है उससे संबंधित कौन सा जिला है? देवघर दुमका, पलामू लातेहार, हजारीबाग गिरिडीह, किससे होगा? सभी लोग बताएंगे। आपका जो आंसर हो जाएगा वो देवघर दुमका, देवघर और दुमका। आज तो देवघर से बहुत प्रश्न है, ठीक है ना। आइए आगे। कुनार सिंचाई योजना किस नदी पर बनाई गई है? कुनार सिंचाई जो योजना है वह किस नदी पर बनाई गई है? नदी का नाम दिया वो अमानत, गुमानी, कुनार या अजय। जल्दी से प्रश्न का आंसर देंगे, क्या होगा आंसर? चलिए यस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रश्न का आंसर कुनार, कुनार नदी पर बनाया गया है। देखिए इसमें कोई फैक्ट तो है नहीं, आपको बस पूछा गया है कुनार सिंचाई योजना किस नदी पर है, कुनार नदी पर, इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पे आवश्यकता है वहां तो भरपूर मात्रा में आपको देते हैं, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा फैक्ट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आइए। कौन सी जिला कुनार सिंचाई योजना से संबंधित है? हजारीबाग, दुमका, पलामू या देवघर? कौन सा हो जाएगा आंसर जल्दी से बताएंगे? आपका जो प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा हजारीबाग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक, दुमका झारखंड का क्या है? तो उपराजधानी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है ना। देवघर तो जानते ही है, देवों का नगर, बहुत कह सकते हैं देवघर में, यह बहुत बड़ा एक क्या है, कह सकते देवियों का शहर कह सकते हैं आप देवघर, ठीक है ना। आइए आगे, आपका जो प्रश्न होगा वह आंसर हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट आइए, अमानत पूछा गया है। अमानत बराज योजना किस नदी से संबंधित है? सभी लोग बताएंगे दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा या अमानत नदी है। कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि अमानत बराज योजना किस नदी पर है, फटाक से बताएंगे किस नदी पर है। आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अमानत नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी। ये रहा पूरा का पूरा मेरा सेशन जो परियोजना से संबंधित नदी घाटी परियोजना जो था, सारा का सारा हम एक ही वीडियो में आपको बता दिए। इससे ज्यादा आपको प्रश्न में नहीं पढ़ना है, जितना फैक्ट था वो दे दिए, और इससे संबंधित जो MCQ था हम वो भी आपको करा दिए, ठीक है ना। अब बात रही कि आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लैरिटी बढ़ेगा, उतना आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मेरा प्रश्न आपको एग्जाम के लेवल को दिखा दिए, उससे संबंधित फैक्ट आपको बता दिए। अब सभी लोग क्या करेंगे, एक बार कमेंट करके बताना है कि कल के लिए भी हम लोगों का क्या प्रोजेक्ट करना है, क्या तैयार करना है और क्या आपके सामने देना है। चलिए ओके।